बिहार में पिछले 15 दिनों में 10 से ज्यादा छोटे बड़े पुल गिरने पर राजनीति गर्मा गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने इसका ठीकरा आरजेडी पर फोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के समय पर निर्माण विभाग लगभग 1.5 साल तक तेजस्वी यादव के पास था। जेडीयू के पास ये विभाग हाल ही में आया है। ऐसे में पुलों के गिरने की जिम्मेदारी आरजेडी की बनती है। बिहार में पिछले 15 दिनों से गिरते पुलों के कारण नीतीश सरकार घेरे में है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अशोक चौधरी का कहना है कि पिछले दिनों गिरा पुल आरजेडी के सांसद रहे दिवंगत मोहम्मद तस्लिमुद्दीन के नेतृत्व में बना था। उन्होंने बताया कि नीतीश सरकार पुलों के रखरखाव के लिए नई नीति का निर्माण कर रही है। इस मामले पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी बयान देते हुए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को घेरे में ले लिया। उन्होंने गुरुवार को इस मामले पर सोशल मीडिया एक्स पर इस मामले से जुड़े आंकड़े बताते हुए कहा कि नीतीश सरकार इस मामले में खामोशी साधे बैठी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सदैव गुड गवर्नेंस जैसी बातों पर दूसरों के गुण दोष खोजने वाले आज चुप्पी की चादर ओढ़े बैठे हैं। बीते शुक्रवार को कोसी नदी पर बने एक और 77 मीटर के पुल गिर गया था। इस पुल का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2.98 करोड़ की लागत से हुआ था। आसपास के निवासियों के मुताबिक पुल वहीं से टूटा है जहां दरारें देखी गई थी। पुल की परियोजना की देखभाल करने वाले ठेकेदार ने नेपाल से अधिक बारिश के कारण आए पानी को इस हादसे का जिम्मेदार बताया। इस हादसे के बारे में नीतीश सरकार एक्शन में आ गई थी। राज्य सरकार ने सड़क निर्माण और ग्रामीण विकास जैसे विभागों से उन एजेंसियों और निजी ठेकेदारों को नोटिस जारी करते हुए कहा था जो इन पुलों के निर्माण में शामिल थे। इसमें गंभीर चूक जैसे कि निर्माण में निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री और का उपयोग और खराब रखवार शामिल है।